यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ठाणे मनपा की सहायक आयुक्त कल्पिता पिंपले के ऊपर फेरी वालों ने किया चाकू का हमला। हमले में सहायक आयुक्त कल्पिता पिंपले की टूट गई दो उंगलियां। ठाणे महानगर पालिका से कल शाम को एक बड़ी ही शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां अवैध फेरी वालों पर कार्यवाही करने गई एक महिला अधिकारी पर फेरी वालों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में महिला अधिकारी के हाथ की दो उंगलियां टूट गई। आपको बता दे चले, ठाणे के प्रभाग समिति माजी वड़ा मानपाड़ा की सहायक आयुक्त श्रीमती कल्पिता पिंपले सोमवार 30 अगस्त को शाम के समय क्षेत्र में फैल रहे अवैध फेरी वाले पर कार्यवाही करने दलबल के साथ निकली थी। स्टाफ द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध फेरी वालों को हटाया जा रहा था, जिसकी निगरानी खुद सहायक आयुक्त कल्पिता पिंपले कर रही थी। उसी बीच एक फेरी वाले ने सहायक आयुक्त के मुंह पर चाकू का वार किया। इस हमले से बचने सहायक आयुक्त ने अपना हाथ बीच में लाया, तब चाकू से हाथ की दो उंगलियां कटकर जमीन पर गिर पड़ी। सहायक आयुक्त मैडम पर अचानक हुए हमले में बचाव को आगे आए एक सिक्योरिटी गार्ड की भी हाथ की उंगली कट गई। इस घटना से पूरे ठाणे मनपा क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटना के आरोपी फेरी वालों को हिरासत में ले लिया। वहीं घटना में घायल हुई महिला अधिकारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस जघन्य वारदात के चलते विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए अवैध फेरी वालों को सबक सिखाने की बात कही। मनपा आला अधिकारियों ने भी घटना को निंदनीय बताते हुए कार्यवाही में तेजी लाने का स्पष्ट संकेत दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। पालिका के अधिकारियों द्वारा वो कामकाज करते समय उन पर इस तरह का जो ये हमला किया गया है, ये निश्चित ही बहुत ही निंदनीय है। महानगर पालिका प्रशासन ने इसकी गंभीर दखल ली है। हमारी जो अधिकारी है श्रीमती कल्पिता पिंपले, उनको अभी उनका ऑपरेशन शुरू है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। परंतु ये जो इस तरह के हल्ले हैं, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो हमलावर है उसको अरेस्ट भी किया गया है और उचित लीगल सेक्शन के तहत उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और महानगर पालिका प्रशासन भी इस बारे में पूरी तरह से गंभीर है कि इस तरह की घटनाएँ जो हुई हैं, इसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए, और जिससे कि भयमुक्त वातावरण में सब महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी काम कर सकें। सर, कुछ स्पेशल फोर्स बनाया जाएगा जब इस तरह की कार्रवाई रहेगी, कड़क कार्रवाई रहेगी या फेरी वाले पे कार्रवाई रहेगी, उसके लिए स्पेशल फोर्स और जरूरत है? देखिए, वैसे तो जब कार्रवाई की जाती है तो उस समय जो सपोर्ट टीम्स रहती हैं वो साथ रहती हैं, बंदोबस्त की भी रहती हैं, गार्ड भी रहते हैं। सर, जिस तरह से हमला हुआ आपने देखा ही है कि एक तेज शस्त्र वाले हथियार से हमला हुआ है, तो अचानक से हमला किया गया, तो इसलिए जो है इसका इतना गंभीर इसका रिजल्ट हमको देखने को मिला है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि और थोड़ा सा सतर्क रहना होगा और थोड़ा बंदोबस्त पर ध्यान देना होगा और महानगर पालिका प्रशासन इसके लिए जो भी आवश्यक है वो सब कदम उठाए। खुलासा भी हो रहा है कि उन्होंने जो मारने की कोशिश की थी वो जानलेवा भी, उस जिस तरह से मारा था उसका पूर्ति भी वही था। देखिए, अब जब आपने जो देखा है कि जो सहायक आयुक्त को जो चोटें लगी हैं उसको देखकर ये तो निश्चित ही है कि ये हमला किसी भी तरह से कोई भी रूप ले सकता था। बहुत ही गंभीर तरीके से हमला किया गया है और इसमें कुछ भी हो सकता था। महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से जो हॉकर्स हैं, लीगल फेरी वाले हैं, इनके बारे में हमारी लगातार मुहिम चलती ही रहती है और कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग में हर दिन हमारा ड्राइव रहता है, तो ये तो ड्राइव चलती ही रहेगी और इसको हम और तेज भी करेंगे। सर, हॉकर्स की ओर से ना लोकल गुंडे लोग अगर ऐसा फेरी वाले से हफ्ता लेते हैं तो ये फेरी वाला से हफ्ते लेने वाला गुंडा था कि कैसा था, क्या कुछ इसके बारे में आपको कुछ? पुलिस ने अरेस्ट किया है, पुलिस छानबीन में सब चीज़ें सामने आ ही जाएंगी और किसी भी तरह की ये जो महानगर पालिका प्रशासन के साथ जो गुंडागर्दी है उसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं और इसके बारे में सब लीगल एक्शन हम लेंगे। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।